आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये क्या लगता है आपको क्या है ये? अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हम इसे अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का बॉक्स है यहाँ पे, और ये इसकी पैकेजिंग जो रिव्यूज़ के हिसाब से मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी अच्छी होकर आई है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं अपने सुपरमैन के स्टाइल में। यस, इट इज द टाइप ऑफ अनबॉक्सिंग वी कैन डू। ये देखिए इसमें बिल है और साथ में एक्स्ट्रा पेपर बना के दिया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इसकी क्वालिटी आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी होगी। ये देखिए भैया, इस प्रकार का पैकिंग आपको दिख रही है और ये मुझे फर्स्ट लुक में बहुत ही लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी प्राइस के हिसाब से। ये पाउच मिलता है आपको और ये फैब्रिक है भैया, इसमें स्टिचिंग आप देख सकते हैं बहुत ही रद्दी क्वालिटी के धागे से स्टिचिंग करी गई है, लेकिन ठीक ठाक है। आपको यहाँ पे ये मिलता है चैनल टाइप का बना हुआ और इसकी चौड़ाई भी कुछ ज़्यादा तो नहीं है। ये इस प्रकार के हुक्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, पर्दे वगैरह टांगते हैं ना जो क्लिप्स होती हैं उस टाइप की आप इसमें लगा सकते हैं क्लिप्स। और चलिए अब इसे लगा के और फिर देखते हैं कि इसका क्या लुक है, कैसा है ये, इसको ज़रा क्वालिटी इंस्पेक्ट करते हैं ज़रा ढंग से। आ जाइए दोस्तों, इस शॉट में अमन भाई हमारे साथ में है। अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना पसंद है तो आप इनका चैनल विज़िट कर सकते हैं। भाई के चैनल का नाम यूबी एडिटिंग है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं हमारे बैकड्रॉप की। हमने इसे आड़ा करके पकड़ा है ताकि आपको उसके साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। ऑन पेपर विड्थ 8 फिट और लेंथ 12 फिट लिखी है। बॉर्डर पर स्टिचिंग शायद नशे में की गई है और यहाँ पर एक स्टेन है और थोड़े रिंकल्स भी हैं। इस तरह से हम इसे लगाने वाले हैं और यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि भांग पीकर इसकी स्टिचिंग की गई है। हाँ तो गाइस, जैसे कि आपने देखा इसका कपड़ा बहुत ही मुलायम सा है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट तो है ही। अगर आप ज़्यादा लाइट एरिया में यूज़ कर रहे हैं इसे तो आपको डबल करके यूज़ करना पड़ेगा इसको। हालांकि अगर आप इसे जैसे कि किसी दीवार वाल के आगे यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे इसका एक, अगर आप लुक देखना चाहते हैं तो ऐसा लगा हुआ है, ये बैकग्राउंड में अभी यूज़ हो रहा है। मुझे नाम वगैरह तो याद नहीं है, कोकू वगैरह कुछ करके है, कहाँ से लाते हैं नाम ये पता नहीं मुझे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका नाम। जब हमने इसे मंगाया था तो इसमें बहुत सारे सल थे और कुछ मार्क्स भी थे, दाग वगैरह, तो वो तो दिख नहीं रहे इतने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्क है जो शायद आपको दिख रहा होगा, वैसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे। और मैंने जो सोचा था जब इसकी फ़ोटो, जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो इसकी फ़ोटो में ये कुछ ज़्यादा डार्क लग रहा था इसका कलर, लेकिन ये थोड़ा लाइट है मैंने मंगाने के बाद देखा इसे, तो इतना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम कलर ग्रेड करेंगे जब इसे एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हम मिलते हैं ऐसी एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।